तो ही गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर मैच। और आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कल्हारी मैप रिटर्न में आया है। तो कल्हारी मैप खेलने वाले हैं, तो कल्हारी मैप के एकदम बीच में हम लोग उतरने वाले हैं क्योंकि मेरे हिसाब से बीच में ज़्यादा बंदे उतरते हैं, तो हम लोग फटाक से उतर जाते हैं। और भाई लोग, हम लोग उतरना भी स्टार्ट कर दिया। अब भाई जो मेरे पास स्पीड बोर्ड है ना, बहुत तगड़ा स्पीड में नीचे जाए जा रहे हैं भाई, सब डर भी लगे जा रहे हैं। और लोग गाइस ये देखो, मैं गिरा भी नहीं और कुछ ऐसे हो गया भाई साहब, क्या ही गजब लग रहा है। और मैंने पैरासूट भी अपने हाथ में से ले लिया, और लेने के बाद एकदम उड़ता फिरा पक्षी फिरा मस्त गगन में आ गया। और आने के बाद जो ऊपर बंद है इन्हें अब टपकाया जाएगा। जी हाँ गाइस, ऊपर ही से टपका दिया जाएगा। अरे कहाँ भागेगा, मरना तो तुझे है ही भाई। ओ भी कोई है नहीं, यहाँ पर है तो। अरे यार ये तो भागेगा है। अरे यार इतनी भी चीज क्या है, इतनी स्पीड में मैं मारने पाऊँ तेरे को भाई जब बंदा है क्या, मर गया लैडी शॉट से, मर गया भाई। मतलब उतरते ही दो की भाई सब मजा आ गया। और भाई यहाँ से मुझे मेडिकेट मिल गई, पर हम लोगों के पास इस वाले गन का एमो नहीं है। MP40 मिल गई, साथ में एक और गन मिल गई मुझे जिसके पास कुछ एमो नहीं थी। और भाई और कोई ऊपर से उतर रहा है तो बताओ, उसे भी टपका दिया जाए। भाई साहब कोई उतरता ही नहीं है आज के समय में, कभी बीच में भी उतर दिया करो। सामने दो स्क्वाड लड़ रही है, ठीक है मुझे पता चल गया दो स्क्वाड लड़ रही है। अरे भाई अकेले मत लड़ा करो, हमें भी बुला लिया करो क्योंकि हमें भी अपने ग्रैंड फादर के घर जाना है, मतलब वही ग्रैंड मास्टर के घर जाना है। अरे अरे यार अकेले अकेले लो दिया ना हेडशॉट, आ गया मुझे। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे थे, तुमको भी मार दिया। क्यों भाई आ गए ना मजे, आ गए होंगे स्वाद, तुमको बहुत मजे आए होंगे। तो भाई साहब अब मैं मेडकिट मार रहा हूँ, पर पीछे से लगकर मार दिया भाई साहब, 3 किल तो यहीं पर मेरे हो गए मस्त तरीके से। मजा आ गया यार, बहुत अच्छा रैंक प्लस होगा। हाँ बंदूक को मार मार के। तो आज का हम लोग ऊपर, ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पर मिल रही है शॉटगन, पर शॉटगन कोई नहीं लेता है आज के समय में, मुझे नहीं लेना है गाइस शॉटगन। और यहाँ से मिल गई बहुत तगड़ी गन, और जो हम लोगों के पास एमोज नहीं है वो वेंडिंग मशीन से हम लोग गाइस खरीद लेंगे। तो फटक से वेंडिंग मशीन से हम लोग खरीद लेते हैं, कुछ ऐसे करके खरीद लिए। और खरीदने के बाद अब हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए। यार अभी भी कोई नहीं दिख रहा है, अरे यार कोई तो आ जाओ। बस 3 ही बंदों को मैंने देख पाया अभी तक, ठीक है मतलब जब नीचे गया था तब 3 बंदों को, और ऊपर तो 2 बंदों पहले ही मैंने हवे में ही देख लिया था। पर भाई साहब आपको ये दिखाई दे रहा है, लगता है सबके सब डर गए। अच्छा भाई नीचे से मार रहे, आ जाओ तो गेम बजाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मारने आ रहे थे भाई। 2 सुपर मैटिक के चक्के रखे थे लड़की, भाई साहब लड़की है क्या तू, 2 सुपर मैडिकेट के रखी है भाई साहब, गजब की लड़की है। तो भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ जिप लाइन से लटकता, भाई साहब रस्सी से मैं लटकता फिरा चलता फिरा मस्त गगन में। भाई साहब सामने है एक बंदा, और इस बंदे की तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा अरे किधर भाग जा, अरे आ गए मचे तुझको है जो मुझे मार रहा था। अरे इसका टीममेट भी आ रहा है, कोई बात नहीं वापस मैं तुमको भी मार दूंगा, मार दिया यार मजा आ गया भाई साहब। ओ भाई इसके पास तो मस्त मस्त एमो है भाई साहब, मैंने इतनी एमो नहीं देखी। अब मेडिकेट भी मार लेते हैं, 8 मेडिकेट है, 8 बस एक ही कम तो हुई है, और कितनी कम हो गई। तो भाई साहब आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पर एक और जिप लाइन है, और जिप लाइन से मेरा मन कर रहा है फिर से लटक के चला जाए। तो एक काम करते हैं लटक के चलते हैं, तो चलो भाई साहब बैठा तो ले। हाँ बैठा लिया, पर मैं बटन दबाए जा रहा हूँ बैठा ही नहीं रहा है, इसको पता नहीं क्या चुनते भाई साहब। कोई मुझे लगता है डैमेज किया नहीं,
पैरों की आवाज है इसलिए मैंने समझा। अरे भाई हमको भी गेम खेलने का एक साल से तजुर्बा है तजुर्बा। तो भाई साहब हमारे एक सेकंड उसके मामू जी तो भाग गए पर उसके चाचू जी आ गए हमें मारने के लिए। कोई बात नहीं, मामू जी भाग गए तो चाचू जी को मार देंगे। अरे चाचू जी आप मत भागना डरपोक हो, आप एक नंबर के। अरे पीछे से चाचू की मम्मी भी मार रही थी। तो कोई बात नहीं, चाचू को भी टपकाएंगे और चाचू की मम्मी को भी टपकाएंगे। नहीं तो भाई मामू भैया तो भाग गए भाई साहब। कोई बात नहीं, इन दोनों को टपका दिया ना, आ गया मजे। और भाई मैं देख रहा था 10 किलो गए, मुझे तो यार पता ही नहीं चला। मैं बोल रहा था यार कोई किली नहीं मिला, किली नहीं मिला, पर यार 10 किलो गए। और वाह क्या ही बात है, क्या ही बात है गाइस, क्या ही बात है, आप लोग समझ ही सकते हो। ओ भाई साहब अभी मैं चल रहा हूँ इस प्यारे से चाचू जी का भाई साहब खजाना लूट लिया, तो लूट लिया खजाना। और इस घर के अंदर भी कुछ खजाना मिल रहा है और खजाने के अंदर कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर भाई साहब कोई लूट रहा था अपना सामान, तो भाई मैंने सोचा उसके अंदर की होगी, पर की नाम से तो कुछ था ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब एक बंदे को मैंने यहाँ से टपका दिया। हाँ बेटे अब बोल तू, है नहीं तो मुझे गुस्सा दिला रहा था बार बार। भाई साहब मार ही दिया मैंने भाई साहब, क्या ही मजा आया मारने में, आप लोग देख सकते हो गाइस। और यहाँ से मेरा आलतू फालतू सामान मैंने फेंक दिया, क्योंकि आलतू फालतू सामान को आपने इन्वेंटोरी में कौन ही रखना चाहेगा यार। तो आप लोग देख सकते हो मैं चलता फिरा मस्त गगन में उड़ता फिरा कुछ ऐसे चल रहा हूँ। और भाई साहब मैंने इस वाले एमो को कम कर लिया, क्योंकि जब तक ये वाली एमो रहेगी ना मेरे अंदर कुछ खासियत नहीं रहेगी। जी हाँ कुछ खासियत नहीं रहेगी, क्योंकि हम अच्छा सामान लूट ही नहीं पाएंगे। और जिप लाइन से लटकता फिरा चलता फिरा मस्त गगन में, सामने से बंदा साहब छुपा था, नहीं नहीं बंदा तो नहीं छुपा था, पर हाँ मुझे गोली मारा तब मैं समझा। मैंने सोचा बंदा है ही नहीं है, सब बयान हो गया था मुझे लगता, पर भाई साहब बंदा तो था, मुझे गोली मार दिया तब मैं समझ गया। कोई बात नहीं भाई, हमको गोली मत मारना, नहीं तो खतरा फिनिश टाटा गुड बाय हो जाओगे तुम अभी के अभी। तो भाई साहब देख रहे हो हम लटकता फिरा मस्त गगन में, यहाँ पर भी जिप लाइन और जिप लाइन से फिर हम लोग लटकता फिरा मस्त गगन में। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इसे नीचे जाना चाहिए था ना, ऊपर कैसे जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम लोग वापस आ चुके हैं सबसे ऊंचाई जगह पे, और ऊंचाई जगह पे मुझे कोई मार रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, रुक तेरे को तो नीचे आई के बताना पड़ेगा। मेडिकेट खोला और सामने बंदी, और बंदी को मैंने वन टाइम मार दिया। पहले मेडिकेट मार लेता है, नहीं तो कोई हमारा गेम बजा के चला जाएगा। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो ये सामने बंदा उसे बेचारा कहीं का मारा जा रहा है सब लोग मेरे हाथों। बस मुझे नहीं लगता कोई किल कर रहा है, जैसे कि जैसे यही लोग मेरे हाथों मरे, चाहे तो मैं लास्ट में जाके मर भी सकता हूँ, या अवैध किसी के हाथों से मर सकता हूँ, या फिर मरते मरते भी बच सकता हूँ। ठीक है, तीन ऑप्शन है मेरे पास। पर भाई अब तुम लोगों को तो पता है, तुम्हारा भाई प्रो है, तुम्हारा भाई ऐसे नहीं मरता। तो भाई साहब ऊपर से मुझे कोई गोली मार रहा था, तो चलते हैं ऊपर मारने के लिए। पर कोई बात नहीं, बेचारा मेडिकेट मारने के लिए दे रहा है तो मार ही लेते हैं, और बेचारा भाग भी रहा है। भाई किधर भाग रहा है, भाग रहा था ऐसा बोल के भाई साहब है नहीं तो। अरे यार मारना ही था तो सामने आके मार लेते, तुमको मारने का ऑप्शन दिया था भाई साहब, सामने आके नहीं मार सकते थे भाई साहब। भाई साहब ये भी गजब का है। तो भाई साहब मैंने भी ले लिया एकदम मस्त तगड़ी गन, और लेने के बाद हम लोग सोच रहे नीचे जाए, और नीचे जाने से पहले हम लोगों को कोई नमस्कार कर रहा है। तो हम लोगों ने भी उसको यमराज के पास नमस्कार करने के लिए भेज दिया एकदम इजीली। मैं मजा आ गया जब नमस्कार किया था, मतलब मजा आ रहा था, नमस्कार भैया नमस्कार। तो भाई साहब अभी मैं नीचे कूद गया, और कूदने के बाद हम लोग ऊपर देखे, ऊपर कोई हमारा इंतजार कर रहा था, तो इंतजार में हम लोगों ने उसको टपका दिया।
क्योंकि भाई वो घबरा के आ रहा था, भैया 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 चिल्लाते चिल्लाते और नीचे गिर के खुद ही मर गया। अरे भाई इतना भी तेज भी नहीं आ रहा था, कम से कम स्लो आ जाते मर जाते। हमारे सब सामने बनना उसे भी टपका दिया और मेरे हो चुके हैं 20 किलो। ओह माय गॉड, भाई 20 किल करने के बाद हम लोग सोच रहे हैं प्लान से ऊपर चला जाए, पर कैसे जाया जाए, यहीं पर ज़्यादा किल मिल जाए और जिप लाइन से ऊपर जाएंगे तो एक भी किल नहीं मिलेगा। यार समझ ही नहीं आ रहा है, जाए है ना, एक काम करते हैं, जाते ही नहीं है, बस लूट करते हैं और बंदे को मारते हैं। और भाई आप लोग देख सकते हो यार मेरे 20 किल हैं, वो भी वीर रैंक के अंदर। और भाई वीर रैंक के अंदर करना कितना हार्ड होता है आप लोग को तो पता ही होगा। भाई मैं तो जोन में फंस गया, पर यार जोन रुक जाना है तो तेरे ही हाथों में मारा जाऊंगा। चलो निकल गया जोन के हाथों से, भाषा मजा आ गया। चलो मेडिकेट मार लेता, नहीं तो कोई आके मार लेगा मुझे अभी के अभी। भाई सामने से जा रहे तो और भाई मैं आप लोगों को बता दूं तो अभी भी मेरे 20 किल हैं। आप सोच रहे होंगे भाई काहे का वीर, तो मैंने जो फर्स्ट किल था, मेरा फर्स्ट किल आप लोग देखे थे ना, तो मैंने गलती गलती में चोरी कर लिया था। हाँ मतलब मैंने सोचा मेरे ही बंदा है तो मैंने उसे डाउन करके पूरा नॉक कर लिया, इसलिए मेरे सब हो गए। पर भाई साहब अब वो मेरा किल है, कितना ज़्यादा आवाज़ कर देती है भाई, मेरा कान का पर्दा फाड़ लिया। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ तो मेरे 22 किल है, क्योंकि अभी मैंने बंदे को मार दिया था और भाई एक किल तो ये चोरी हुआ है, तो 21 मान लो आप लोग, ठीक है। और वो भी गलती गलती मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो सामने कोई तो नहीं है, मेरे को लगा ना वो पाइप देख के सामने बंदा छुपा हो सकता है और जैसे ही मैं जाऊँ बंदा मार सकता है। तो सामने जा रहे बंदा और भाई मैंने इसको भी मार दिया, पर भाई ये जो कन की आवाज़ आ रही है ना, मेरा दिल का धड़कन बढ़ा दे रही है यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब, ये इतना ज़्यादा आवाज़ किसने इसको करना सिखाया। मेरे पास अभी 23 किल, जी हाँ भाई लोग 23 किल। और भाई हे भगवान, काश मेरे 3 किल और बढ़ जाते तो मजा ही क्या आ जाता है रैंक पुश करने में। हौसले भी गरीना वालों ने हीरोइज घटा के यार ब्रॉन्ज पे कर दिया। हाँ ब्रॉन्ज पे घटा दिया, ब्रॉन्ज पे गाइस मुझे कर दिया गरीना वालों ने। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो ब्रॉन्ज पे हूँ मैं। और भाई जब 27 या 26 का प्लस लगेगा ना, तब तो भाई मैं हीरोइज पे पहुँचना भाई कम बात नहीं है, 2 मिनट में हीरो पे पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने लूट करना भी स्टार्ट कर दी इस बंदे की, और मेरे पास 24 किल। भाई 23 मार्च को हम लोगों का फ्री फायर, हम लोगों के 23 मार्च पे फ्री फायर वो भी 39 अपडेट आया था, और भाई मेरे पास उतने से भी ज़्यादा किल आ गए भाई। मज़ा आ गया एकदम मजा आ गया भाई। जब अब तो रैंक प्लस नहीं, अब रैंक प्लस का तो भाई सब पता नहीं क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं, अभी 3 बंदे अलाइव हैं, ओके हमसे भी ज़्यादा प्रो बंदे अलाइव हैं, क्योंकि अब मैं बता दूँ पूरी 3 स्क्वाड हम लोगों की 3 स्क्वाड पूरी की पूरी ग्रैंड मास्टर की है। और ग्रैंड मास्टर का तो टपकाना मेरे लिए बच्चों की बात है, और भाई वही 3 स्क्वाड अभी भी जिंदा है ग्रैंड मास्टर की। पर भाई मुझे ये नहीं समझ आता है ग्रैंड मास्टर वाला बंदा ऐसा न्यू तो एक ग्रैंड मास्टर वाला बंदा मरा और बचा है सिर्फ एक बंदा, और मैं सोचा उस बंदे से हीलिंग बैटल कर दिया जाए या फिर उसे छोड़ दिया जाए ऐसे मजाक में। पर मैं ये नहीं चाहता उसे मैं छोड़ूँ, मुझे ये चाहना है मैं उसे मार डालूँ। पर एक काम करते हैं, तो हीलिंग बैटल करने की सोचते हैं, हीलिंग बैटल करूँ या ना करूँ, एक काम करते हैं पानी के अंदर छीता वो मुझे देख नहीं पाएगा इजीली। नहीं यार पानी के अंदर कौन ही नहीं देख पाएगा, देख लेगा एकदम इजीली। और भाई बंदा मुझे मारा, हेडशॉट मार के हम लोग को हो चुका है भैया। और मैं तो चाहूँ तब तक लिए बाय।